आज हजारों लोग ऐसे हैं कलीसिया में जिनको 10-10 साल हो गए प्रार्थना करते हुए कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से क्या कर भर, मुझे गैर भाषा चाहिए, और आज तक गैर भाषा उनके पास आया नहीं, क्योंकि उन्हें क्या लगता है किसी दिन ऊपर से दया होगी और ऊपर वाला नीचे देके बोलते हैं तू कब बुद्धिमान बनेगा, क्योंकि बाइबल कहती है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। किसकी जिम्मेवारी? अगर मैं आपको यह बोलूं जाओ अभी लुधियाना चले जाओ, इसका मतलब मैं देख चुका हूं लुधियाने जाने का रास्ता आपको मालूम है, लुधियाने जाने का किराया आपके पास है, आप लुधियाना जा सकते हो। मैं अपने 2 साल के बच्चे को नहीं बोलूंगा जा लुधियाना, मुझे मालूम है वो अभी अकेला लुधियाना नहीं जा सकता, पर आप जा सकते हैं। परमेश्वर ऐसा वचन आपको कभी नहीं बोलेगा जो आप पूरा नहीं कर सकते। अगर वो कह रहे हैं कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ तो किसकी जिम्मेवारी? और उसने आगे लिखा भी कैसे परिपूर्ण होना, कहता आपस में, कहता स्पीकिंग टू योरसेल्फ, अपने आप से कहता बात कर। आज की प्रॉब्लम पता क्या है कलीसिया, आप उन चीजों को मुंह से नहीं निकालते हो जो आप देखना चाहते हो, आपके मुंह से वो चीजें निकलती हैं जो आपको डिस्ट्रॉय करती, जो आपको नाश करती है आपका। आप अपने मुंह से वो चीजें नहीं निकालते हो, हाय भैन जी मैनू लगता आ मेरी एक बार ना सुन हो रही है, मैनू एक बार मेरी सुन हो ही जाती है, मैनू कमजोरी है। जो आपके मुंह से निकलेगा परमेश्वर बदल नहीं सकता उसको। शैतान दिखा रहा तेरी बाजू सुने, वचन कह रहा है उसके घोड़े खाने से, ओ उसके घोड़े खाने से, तो क्या बोलोगे? जो वचन कहते हैं पर तुम्हें मिला क्या? सुन्नापन, पैरालाइजिस। क्यों? तुमने वो बोला जो तुमने महसूस किया। अगर आत्मा से भरने की जिम्मेवारी किसकी? आपकी। चंगे होने की जिम्मेवारी किसकी? आपकी। सुलेमान अमीर था, जिम्मेवारी किसकी थी? सुलेमान की। बुद्धिमान था, क्यों? मांगा। ऊपर से अपने आप कुछ नहीं गिरता और ना गिरेगा। पहला कुरंथिया उसकी 14 उसकी 3 आयत में लिखा, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से शांति उपदेश और शांति की बातें कहता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है, जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, पर यह चाहता हूं कि तुम भविष्यवाणी करो। कहता मैं चाहता हूं तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, पर यह ज्यादा चाहता हूं कि तुम क्या करो। भविष्यवाणी का मतलब सिर्फ नाम बताना नहीं होता, आप अपनी लाइफ के लिए भविष्यवाणी करते रोज उठ के कि परमेश्वर मेरे लिए रास्ते खोलने जा रहे हैं, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने जा रहा हूं। आप वचन को लेके अपनी लाइफ में भविष्यवाणी कर सकते हो कि धर्मी अपने दोपहर तक जैसे सूर्य बढ़ता जाता है उसका प्रकाश बढ़ता जाएगा, आज सुबह जब मैं उठा हूं मैं डिक्लेयर करता हूं मेरा प्रकाश बढ़ता जाएगा, मेरी चर्च का प्रकाश बढ़ता जाएगा, मैं हर एक चीज में बढ़ता जाऊंगा। ये आपके लिए प्रोफेसी, मेरा पति नशे छोड़ने वाला है, हम एक दिन इकट्ठे होने वाले हैं, ये आपके लिए प्रोफेसी। पर आप बोलते क्या हो? मेरा पति नशेड़ी। आप बोलते क्या हो? मैं बड़ी दुखी हूं। आप बोलते क्या हो? मैं बहुत बीमार हूं। आप बोलते क्या हो? मुझे बहुत कर्ज है। बाइबल कहती है जो गरीब है वो बोले मैं क्या हूं? अमीर हूं। जो पुअर है बोले मैं आशीषित हूं। जो कमजोर है बोले मैं बलवान हूं। क्योंकि बोलने से आप होंगे, अब होंगे मैंने कहा, पर आप बोलते कुछ हो, एक्सपेक्ट कुछ करते हो खुदा आपको दे, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा तेरे मुंह में जीवन, तेरे मुंह में मौत। आप सारी उम्र वेट करते रहोगे होली स्पिरिट से भरने की और ऐसी दुनिया छोड़ जाओगे बिना होली स्पिरिट के, जब तक आप खुद नहीं भरोगे अपने आप को। कहता आपस में बातें करो, आपस में मतलब अपने आप से, भजन संहिता से, यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे घटी ना होगी, हालेलुया। मेरे निकट 1000 दाहिने और 10000 गिरेंगे, वो मेरे पास ना आएगा, वो अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा जा कहीं मैं जाऊं, वो मेरी रक्षा करें। मैं रोज बोलूंगा हाँ या ना। दाऊद कहता मैं नहीं डरूंगा, इसका मतलब यह नहीं उसके अंदर डर नहीं था, वो डर रहा था पर उसने मुंह से निकाला मैं नहीं डरूंगा।
365 बार बाइबल कहती है मत डर मैं तेरे साथ हूं। हर रोज के लिए वचन कहते हैं मत डर मैं तेरे साथ हूं। पर आप क्या कहते हो, मुझे डर है कहीं ये बीमारी मुझे मार ना दे। अच्छा इंसान भी फंसता है जब डरता है। अय्यूब कहता जिस बात से मुझे डर था वो मुझ पे आन पड़ी। अय्यूब के ऊपर वो परीक्षा आने का कारण अय्यूब का डर था बाइबल कहती। और परमेश्वर डरपोक लोगों को यूज नहीं करता, और डर निकालने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मुझे डर है हाय मेरा पति मुझे छोड़ ना दे, मुझे डर है मेरा बिजनेस कहीं फेल ना हो जाए, और आपके डर को शैतान सूंघते है और फिर उसके विषय में काम करना शुरू करते है। एक बंदा डायलिसिस यूनिट में काम कर रहा है और पवित्रताई में सेवा में रहने वाला बंदा, और उसके मुंह से क्या निकल रहा है, हाय परमेश्वर मैनू कभी किडनी का रोग ना हो, हाय बड़ा दुखी है दुखी होने वाला रोग है, हाय जी किडनी खराब हो जाए मारी जाता बंदा, हाय प्रभु जो मर्जी हो जाए पर किडनी रोग मैं कभी ना हो, किडनी रोग ही होया उन्हें, किडनी बदलानी पड़ी उसको। सेवा में रहने वाला इंसान, पवित्रताई में रहने वाला इंसान, आप डरेंगे शैतान फायदा उठाएगा। कोई महारोग आपका हिस्सा नहीं, कोई किडनी रोग आपका हिस्सा नहीं, कोई कैंसर आपका हिस्सा नहीं, कोई टीबी आपके परिवार का आपका हिस्सा नहीं, आपका आपके परिवार का कैंसर हिस्सा नहीं, शुगर हिस्सा नहीं, बीपी हिस्सा नहीं, स्ट्रोक हिस्सा नहीं, अधरंग हिस्सा नहीं, गरीबी हिस्सा नहीं, कमजोरी हिस्सा नहीं, शर्मिंदगी हिस्सा नहीं, ब्लड का रोग हिस्सा नहीं, ब्लड का रोग हिस्सा नहीं, छोटी उम्र हिस्सा नहीं, अब लंबा जीने वाले, अब लंबा जीने वाले, हालेलुया।